जब मैं बोल रहा हूँ मोस्ट पावरफुल वुमेन्स इन इंडिया, तो मैं इनकी पावर और स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे नेटवर्थ की बात कर रहा हूँ। और इन औरतों की बेशुमार दौलत ही इनकी ताकत है। तो आइए हम जानते हैं कि कौन है वो सबसे अमीर 5 औरतें इंडिया के। यहाँ पे 5th नंबर पे है लीना गांधी तिवारी, ग्लोबल फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक कंपनी USV के चेयरमैन है लीना तिवारी। ये कंपनी USV को 1961 में लीना तिवारी के ग्रैंडफादर विट्ठल बालकृष्ण गांधी द्वारा बनाया गया था। लीना गांधी तिवारी अभी 66 साल की है और इनकी नेटवर्थ है $3.4 बिलियन। इन्होंने एक किताब भी लिखा है अपने ग्रैंडफादर के ऊपर, बियॉन्ड पाइप्स एंड ड्रीम्स नाम से। मिस तिवारी अपने बीकॉम कंप्लीट करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का डिग्री हासिल करते हैं बोस्टन यूनिवर्सिटी से। फिलहाल ये अपने हस्बैंड प्रशांत तिवारी के साथ रहते हैं, जो USV प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर है। इंडिया के 4th रिचेस्ट वुमेन है विनोद राय गुप्ता। विनोद राय गुप्ता और उनके बेटे अनिल राय गुप्ता मिलके इंडिया के एक बहुत बड़े इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनी चलाते हैं, जिसका नाम है हेवल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के फाउंडर थे विनोद जी के लेट हस्बैंड कोइमत राय गुप्ता। 59 साल के विनोद राय गुप्ता करेंटली $4.7 बिलियन के मालकिन है और इस बात को फोर्ब्स ने भी कन्फर्म किया है। रेखा झुनझुनवाला। क्या आपने राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना है? एक बहुत ही बड़े और मशहूर इन्वेस्टर थे इंडिया के। 1985 में सिर्फ ₹500 से इन्वेस्टमेंट शुरू किया इन्होंने, और जब 2022 में इनकी देहांत हो गई तब इनके पास $1 बिलियन की संपत्ति थी। रेखा झुनझुनवाला एक्चुअली राकेश झुनझुनवाला के वाइफ है। तो राकेश झुनझुनवाला के डेथ के बाद रेखा झुनझुनवाला उनके पति के संपूर्ण संपत्ति के मालकिन बन गए है। इनकी इन्वेस्टमेंट इंडिया के बड़े बड़े कंपनीज में है, जैसे टाइटन, टाटा मोटर्स और क्रिसेल। 59 साल की रेखा झुनझुनवाला करेंटली $7 बिलियन के मालकिन है। इंडिया के 2nd रिचेस्ट वुमेन है रोहिका साइरास मिस्त्री। इनकी बहुत सारी पहचान है। ये लेट कंस्ट्रक्शन टाइकून पलोनजी मिस्त्री के बहू है, लॉयर इकबाल चागला की बेटी और टाटा ग्रुप के फॉर्मर चेयरमैन लेट साइरस मिस्त्री के वाइफ है। रोहिका मिस्त्री इंडिया के टॉप बिलियनियर लिस्ट में आ गई जब इनके हस्बैंड के डेथ के बाद उनके सारे संपत्ति इन्होंने इनहेरिटेज किया। अभी करेंटली 56 साल की रोहिका मिस्त्री $7.7 बिलियन की मालकिन है। टाटा सन्स, जो कि टाटा ग्रुप की पेरेंट कंपनी है, उसमें इनकी 18.4% की शेयर है। क्या आप जानते हो 1 बिलियन कितना होता है? अगर जानते हो तो नीचे जरूर कमेंट करना, मुझे भी जानना है यार। आप इंडिया में रहते हो तो जिंदाल ये नाम तो कभी ना कभी जरूर सुना होगा। बहुत अमीर होते हैं ये जिंदाल सरनेम वाले लोग, इसीलिए तो 73 साल की सावित्री जिंदाल अभी के टाइम पे इंडिया की रिचेस्ट वुमेन है। इनकी नेटवर्थ है $23.7 बिलियन। सावित्री देवी ओपी जिंदल ग्रुप की चेयरमैन है और 2005 में इनकी हस्बैंड की डेथ के बाद हस्बैंड की सारी संपत्ति इन्हें मिल गया। बाय द वे, इनकी हस्बैंड की नाम थी ओम प्रकाश जिंदाल। क्या आपने ये नाम कभी सुना है? सिर्फ बिजनेस ही नहीं, सावित्री देवी पॉलिटिक्स भी करते हैं। इन्होंने 2005 में हरियाणा विधानसभा इलेक्शन में लड़ी और जीत भी इन्हीं की हुई। बाद में 2013 को इन्हें अपॉइंट किया गया एज अ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हरियाणा के लिए। महिलाओं के ऊपर बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत ही रिस्पेक्टफुल वीडियो है, आप इस वीडियो के बाद उसे देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक करना, और अगर ज़्यादा ही अच्छा लग गया हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब भी कर लेना। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।